17 बार सोरोज का बेटा व्हाइट हाउस करने क्या आता है, और सोरोज की मानसिकता क्या। सोरोज के बारे में डॉक्टर जयशंकर जी बोल चुके हैं, हमारे कई मंत्री बोल चुके हैं, उसकी मंशा क्या भारत को लेके। तो उसी सोरोज का बेटा 17 बार व्हाइट हाउस क्यों आ रहा है, और अब इसको जब दिखा कि ये हमारा दद्दू, ये बाइडन, ये कंट्रोल से बाहर निकल रहा, तो इसे बोला मैं इंटरव्यू दे दो, वो भी $4 मिलियन लेके। पर मैं तुम्हें बता दूं ओ मामा, तुम भारत में एक ईंट नहीं हिला पाओगे, तुम्हारी औकात उतनी है। यू कैनॉट मूव अ ब्रिक हियर। तुम अपने देश को देखो, अपने परिवार को देखो, हमें हमारे हाल पे रहने दो, हमारा उदय आएगा। और अगर तुम सोचते हो ये स्टेटमेंट देके तुम मोदी को रोक लोगे, 2024 का इलेक्शन स्विंग कराओगे, वो जमाने निकल गए, वो 20-30 साल पहले संभव था। आज तुम उठो, जागो, कुछ खाओ पियो, कुछ सूंघो, अब मैं नहीं कह रहा क्या सूंघो, और औकात में रहो। तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, भाजपा को आने से, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तुम्हारा पूरा कबाल नहीं रोक पाएगा, तुम्हारा कबाल टूट रहा है। ओबामा और ओसामा का क्या गठबंधन है, ये क्या कहानी है, ये चीज का इतिहास बताएगा। और इसकी औकात सर, ये हमें पार्टीशन की धमकी दे भैया, यहाँ पार्टीशन हो गया 1947 में, जिसको वहां निकलना था निकल लिया, जिसको यहाँ रहना था वो यहाँ रह गया। तुम हमें पार्टीशन की धमकी देने की औकात नहीं रखते, तुम्हारी औकात कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं तुम अपने यूएस को बचाओ, यूएस में तुम्हारा कैलिफोर्निया करीब करीब 50% GDP कंट्रोल करता, वो तो सदियों से कह रहा है, वो तो खुल के कहने लगा मैं अलग कंट्री बनूंगा। कैलिफोर्निया तो खुल के कहता है ना। और जब माइनॉरिटीज की तुम बात करते हो, हिंदू माइनॉरिटी नहीं भैया, सिख माइनॉरिटी नहीं है क्या, यहूदी माइनॉरिटी नहीं है क्या, मुझे बताइए इस आदमी ने एक शब्द भी बोला जब आईसिस ने जो प्रताड़न किया, जो शोषण किया यजीदियों का, यजीदियों की औरतें बेची गई सर, मंडी लगा के बेची गई, गैंगरेप होते रहे महीनों तक, गैंगरेप होते रहे, तब इसने कुछ नहीं कहा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में, और आज हमारे साथ है सुमित पीर जी। स्वागत है आपका सुमित जी। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, सादर आभार और साधुवाद शो पे बुलाने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है जयपुर डायलॉग्स पे आगे, थैंक यू सर। एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान है, फंस गए रे ओबामा जी। तो आजकल मिस्टर ओबामा फिर से चर्चा में जी, और मिस्टर ओबामा जो है वो भारत को बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। ये बड़े बड़े प्रवचन देने का क्या कारण है, अचानक ओबामा जी कहाँ से प्रकट हो गए? मुझको बताया गया है कि वो भी आजकल सोरोस से फंड लेके अपना कोई फाउंडेशन बना रहे हैं। सर नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम और आभार। सर ये जो ओबामा है, ये है कल्लू मामा। ओबामा यानी कि कल्लू मामा, कोई भी करेगा भरेगा कल्लू, बेजे की करेगा तो मरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा यानी कि ओबामा। और ओबामा और ओसामा में भी बहुत सिमिलैरिटीज है, उस पर आते हैं। केवल एक ही अक्षर तो है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अक्षर इधर से उधर करिए, ओबामा, ओसामा और कल्लू मामा, तीनों एक साथ लगते हैं। अब देखिए सर, ये जो ओबामा है, इसकी प्रवृत्ति और प्रकृति हमेशा से डूबियस रही है, डूबियस करेक्टर है। आप देखिए, इनके पिताजी मुसलमान थे। अब इसका पूरा नाम है बराक हुसैन ओबामा। अब मेरे जितने भी आज तक इंटरव्यू टीवी पे, एक मुझको और चीज बताई गई जी, इसका जो नाम था वो था बरकत हुसैन ओबामा। करेक्ट, मैं इसी पे आ रहा हूं। अरबिक में टी जो है वो साइलेंट होता है। करेक्ट, तो इसका नाम था बराका हुसैन ओबामा, और बाद में इसकी जो माँ थी उसने उस हुसैन ओबामा को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। करेक्ट। अब देखिए, अब जब लोग भूल जाते, कहते ओबामा ओबामा, बराक ओबामा बराक ओबामा, जब अगर इसका बर्थ सर्टिफिकेट देखे तो बराक हुसैन ओबामा। जैसे हमारे एक डायलॉग था, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। हुसैन जो है इसने चुपचाप गोल कर दिया। अब ये हुसैन क्या सिमिलैरिटी क्या है, इसके पिताजी केनियन मुसलमान, इसके जो हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर वो मुसलमान, इसकी माता जी ने जो दूसरी शादी की थी वो इंडोनेशिया का, वो भी मुसलमान ही, इंडोनेशिया में भी रहा, ये पाकिस्तान में भी काफी बार आया गया, इसने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, तब उनसे भी इनके संबंध थे, उसको अपने ऑफिशियल बंगले पे इन्होंने ठहराया, उसका काफी आदर सम्मान किया। यही नहीं सर, अब इसकी लिस्टों की फेरिस्त गिनवाते हैं। सबसे पहले ये जो
क्रिश्चियन बना, क्रिश्चियन बनना इसकी मजबूरी थी, अन्यथा ये प्रेसिडेंट अमेरिका का बन नहीं पाता। तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना इसकी मजबूरी थी, पर इसका जो दिल है ना, दिल वो इस्लामिक है, वो मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखता है। इसकी पुष्टि संजय सर खुद यूएस का मीडिया कहता है कि ही हैज अ वेरी क्लियर एफिलिएशन फॉर इस्लाम एंड इस्लामिक वर्ल्ड। अब देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अब फेरिस्ट मैं गिनाऊंगा लाइन बाय लाइन कि ये ऐसा क्यों करता और इसकी मंशा क्या थी। सबसे पहले ये वाहिद, ही इज द ओनली वन, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने पूरे अपने टेन्योर में, दो टेन्योर थे इसके, कभी भी इस्लामिक टेरर नाम का शब्द यूज ही नहीं किया। ही नेवर यूज द वर्ड इस्लामिक टेरर, जबकि इस्लामिक टेरर एक रियलिटी है, एक सच्चाई है दुनिया की, सब जानते हैं। इसके बाद अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे, उसने कई बार इस्लामिक टेरर कहा। इस्लामिक टेरर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। इस बंदे ने कभी भी इस्लामिक टेरर का नाम नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, जब ये टर्की गया सर, पहले अमेरिकन प्रधानमंत्री टर्की जाते हैं और वहां ये करते हैं अस्सलाम वालेकुम। टर्की से इन्होंने पूरे मुसलमान मुल्कों को, पूरे उम्मा को अस्सलाम वालेकुम किया। इट इज अगेन एक्सेप्शन। तीसरी बात, जब किंग सलमान की मृत्यु होती है, ये अपनी धर्मपत्नी मिशेल ओबामा को लेकर फ्यूनरल में गए। आज तक अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट, प्रोटोकॉल आप उठा के देखिए, किसी के फ्यूनरल में नहीं जाता, वो भी फर्स्ट लेडी को लेके। क्यों? वो किंग सलमान था, किंग सलमान मुसलमान थे, तो इसीलिए इसको वहां जाना पड़ा। और अगर इसको फ्यूनरल में जाने का इतना शौक था, ये नया प्रोटोकॉल सेट करता, दुनिया में इतने दिग्गजों की मृत्यु होगी हुई, वहां तो ये कहीं फ्यूनरल में किसी के नहीं गया, किसी क्रिश्चियन में नहीं गया, किसी हिंदू में नहीं गया, किसी सिख, ज्यू, पारसी, यहूदियों में किसी में नहीं गया। ये इसका पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर चार, इसने अपने टेन्योर में संजय सर हमेशा पाकिस्तान को एड दिया। भाई अगर तुझे पता था वहां ओसामा बिन लादिन, तुम्हारा चचेरा भाई वहां बैठा है, तो उनको एड देने का मतलब क्या? तुम अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी उठ के पाकिस्तान को क्यों देते रहे? पाकिस्तान को खड़े करने वाला तुम ओबामा। पांचवा पॉइंट, हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा, भाई हमें पता था कि ओसामा वहां है, हमने इससे कहा भैया हमें जाके उसको ठोक देते हैं, हमें परमिशन दे दो। इसने तीन बार परमिशन डिनाई कर दी। जब इलेक्शन में इसके सितारे डूबने लगे, ठीक इलेक्शन से पहले इसने गो अहेड दे दिया कि भैया जाके निकाल दो। तो ये ओसामा और ओबामा का तालमेल क्या है, ये जुगलबंदी क्या है, इसकी ओसामा से के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों थी? अगर वो सबसे बड़ा आतंकवादी, उसने W11 किया, WTC किया, 9/11 किया, तो उसको ठोकने के लिए तो आपको पहली बार में अप्रूवल देनी चाहिए थी। पाकिस्तान को मिलिट्री एड क्यों दिया? अब पॉइंट नंबर छह सर, आगे की कहानी बताता हूं। ये ऐसा वैसा आदमी है सर, अगर आप इसके टेन्योर में देखें, इसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया था यूएस में, बहुत बड़ी साजिश की थी इसने। साजिश के दो पार्ट है, पहले एक नंबर पे आता हूं, पार्ट ए पे। पूरे आठ साल जब तक इसका टेन्योर था, इसने बेंजामिन नेतन्याहू को मतलब नाइटमेयर्स दिए। बेंच इजराइल और अमेरिका की रिलेशन बिल्कुल टूटने पे आ गई, इतना इसने इजराइल को तंग किया, इतना इसने बेंजामिन नेतन्याहू को तंग किया। बिल्कुल उसकी नहीं सुनता था, बिल्कुल उसकी बात नहीं करता था। इन स्पाइट ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहां मुसलमान मुल्क थे, ये उनको सपोर्ट करता था, उनको एड करता था, उनको उनके साथ ट्रेड करता था। इतना इसका प्लान था कि ये जो ज्यूइश लॉबी है, ये जो अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, उसको हटाया जाए। इसने पूरी कोशिश की और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीन बार इस पे स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। भाई इसने हमेशा कोशिश की कि ज्यूइश लॉबी जो है, जो ज्यूइश का बिजनेस है, स्ट्रैंगल होल्ड है, या मैं बोलूंगा जो वर्चस्व है अमेरिकन इकोनॉमी पे, उसको हटाया जाए। ये इसकी एक और कारण हुई थी। अगर ये ट्रू ब्लड अमेरिकन प्रेसिडेंट था, क्रिश्चियन था, तो इसको यहूदियों यानी कि ज्यूओं से नफरत क्यों थी? ज्यूओं से नफरत तो ये हमारे भाई मुसलमान जो भाई बहन है, इनको ज्यूओं से नफरत होती है। तो ये तो कहने को क्रिश्चियन है, अगर तू भाई कहने को क्रिश्चियन है, तुझे यहूदियों से नफरत क्यों? तुझे इसराइल से नफरत क्यों? इसराइल के व्यापारी से नफरत क्यों? बेंजामिन नेतन्याहू से नफरत क्यों? IDF के साथ तुमने कोई टाइप नहीं होने दिया, IDF के साथ तुमने एक्सरसाइजेस नहीं होने दी, क्यों? आखिर इसराइल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसराइल तुम्हारा सबसे बड़ा ally था, है और रहेगा मिडिल ईस्ट में, मोस्ट ट्रस्टेबल ally है। अब लास्ट पार्ट पे आता हूं सर, जो इसकी सबसे बड़ी साजिश थी। अगर आप इस्लामिक टेरर की परिकल्पना करें, सबसे बड़ा हिट जो था वो था 9/11, करीब 5,000 लोग मरे और WTC इन्होंने उतारा दो टावर। अब उसामा बिन लादिन समझता था, अगर मैं दो टावर उतार दूंगा तो मैं अमेरिका को ध्वस्त कर दूंगा, वो ख्वाब लेके वो चार खैर चला गया,
मछलियां उसे निपटा गई, क्योंकि बॉडी तो समुद्र में डाली थी ना, मछलियों का खाना बन गया वो। अब इस ओबामा के, ये पाकिस्तान कहीं बार गया, ये इंडोनेशिया में गया है, ये अपने जो इसके साहब भाई का शादी थी उसमें बिल्कुल इस्लामी वो चोगा पहन के खड़ा है, इसका हाफ भाई हाफ ब्रदर कहाँ रहता वो पता कीजिए, इसके बाकी सब भाई बहन मुसलमान है ये पता कीजिए, यही क्रिश्चियन क्यों बना वो मैंने बता दिया, नहीं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। अब ये एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ गया था सर, जो इसके बारे में कोई नहीं कहता, ओबामा कुर्सी पे कैसे आता, कुर्सी पे आता अपना स्किन कलर दिखा के, देखो भैया मैं काला हूं, ब्लैक अफ्रीकन ब्लैक चेंज, कोई चीज नहीं लाया, कोई पैकेज नहीं लाया, कोई कुछ नहीं लाया, ब्लैक अफ्रीकन चेंज इस नाम पे आया ये। अमेरिका ने क्या हमारी तरह वोट किया, वी वोट आवर कास्ट एंड कलर, वहां पे अमेरिका पे कास्ट और कलर पे वोट हो, और उसने एक और पैंथर खेला, कहला मेरा बाप मुसलमान तो मुझे इस्लाम समझ आता है, मेरी माँ क्रिश्चियन तो मुझे क्रिश्चियनिटी समझ आती है, मैं खुद प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हूँ, और भैया ये जो दोनों चीजों का मैं व्हाट यू कॉल एक हाइब्रिड कॉकटेल बनाऊंगा, इससे इस्लामिक वर्ल्ड से भी हमारे संबंध होंगे और क्रिश्चियन वर्ल्ड से होगी, और ये अमेरिकन थे ये इसकी बातों में आ गए, इसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब इसको एक जैसे ही प्रेसिडेंट बना, इसने एक बहुत खतरनाक काम किया सर, जिसका मैं पूरा खुलासा करूंगा आज। इसको समझ आया कि भाई ये जो इस्लामिक टेरर वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 4-5 हज़ार लोग, इनका बिगेस्ट सेट है दुनिया में, एक कहीं बम लगा देंगे बोस्टन में, प्रेशर कुकर आईडी लगा देंगे, क्लाशनिकॉप आरपीजी छोटा मोटा 5-10-20 लोग मार पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मार पाएंगे। इसको अमेरिका और क्रिश्चियनिटी से भी इतनी नफरत है, इसने कहा अमेरिका का अल्टीमेटली ना कोई इस्लामिक देश ना कोई जिहादी संस्थान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अब अमेरिका का एक ऐसा दुश्मन खड़ा कर दो जो अमेरिका की गले की हड्डी बन जाए, जो अमेरिकन को आने वाले दसों साल तक भगाए, और वो दुश्मन इसने खड़ा किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते, मैं तो कई बार बात कर चुका हूं। उसका आंकलन संजय सर आप इससे कर सकते हैं, जब ये प्रेसिडेंट बना उससे पहले चाइनीज का जीडीपी कहां था, उसके बाद चाइना का जीडीपी कहां हुआ, उससे पहले चाइना का एक्सपोर्ट्स टू यूएस कहां था, उसके बाद चाइना का एक्सपोर्ट्स टू यूएस क्यों कितना पहुंचा। इसने बोला चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड, चाइना एंड अमेरिकन शुड हैव फ्रेंडशिप, चाइना को सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इसने उठा के चाइना में ट्रांसफर कर दी, सारी टेक्नोलॉजी दी, सारी कंपनियों को इंसेंटिव दिया चाइना जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसने चाइना की इकोनॉमी को यूएस की इकोनॉमी पे एंटेंगल कर दिया, यूएस की इकोनॉमी को डिपेंडेंट कर दिया चाइना पे, जब यूएस की इकोनॉमी होगी सप्लाई चेन डिपेंडेंट होगी तो दुनिया भर की इकोनॉमियां भी कहीं ना कहीं जाकर चाइना के चक्कर में फंस गई। ये जो कम्युनिस्ट चाइना था ये न्यूक्लियर पावर था, इसके पास 1.35 बिलियन की आबादी है, बड़ी आर्मी है और मतलब आर्सेनल इसके पास अच्छा खासा है, इसको चाहिए था पैसा, इसके पास पैसा नहीं था, बस वो पैसा दिलाने का कार्यक्रम चलाया ओबामा ने, और अमेरिकन लोग को क्या लॉलीपॉप दी इसने, इसने लॉलीपॉप दी, देखो भैया ये है कम्युनिस्ट और जब हम इनको पैसा देंगे, जब हम इनको संपन्न करेंगे, ये लोग क्या बनेंगे, डेमोक्रेसी बनेगी, तो चाइना डेमोक्रेसी बनेगी। अब यहां इसकी हिपोक्रेसी मैं एक्सपोज करता हूं, रिचर्ड निक्सन से जब पूछा गया भैया ये जो चाइनीज है ये दिन भर ओपियम खा के सोते रहते, बाइसिकल चलाते, माओ की टोपी माओ की जैकेट लगाते, रिचर्ड निक्सन ने बोला जब तक ये ओपियम खा के मस्त रहते हो सोते रहते यू आर सेफ, जिस दिन ये जग गए तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, अमेरिका डोंट टच देम लेट देम बी व्हाट दे आर, मतलब पड़े रहने दो जैसे। मुझे बताइए सर अगर एक डेमोक्रेसी इंडिया है, एक डेमोक्रेसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंडिया है, मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलीजियंस इंडिया है, यहां तुम्हारा आईपीआर इलेक्शन सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ सेफ है, उसको छोड़ के तुमने बराक हुसैन ओबामा तुमने चाइना को बनाया, क्योंकि चाइना अब सबसे गले की हड्डी बन गई अमेरिका की और पूरी दुनिया की। अब अमेरिका आप नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखे वो कहते हैं चाइना हमारा नंबर वन थ्रेट है, ये तो तुम्हारा नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता है, सीआईए ने और सबने इसको एडवाइस किया था आप चाइना को मत बढ़ाओ, इसने उनकी न सुनते हुए भी चाइना को बढ़ाया, इसने पाकिस्तान को असला दिया, इसने पाकिस्तान को पैसे दिए और इसने भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में ब्लॉक कराने की कोशिश की, हमारी न्यूक्लियर डील ब्लॉक कराने की कोशिश की, हमारा हर जगह कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स और मुसलमान वाली बोगी चला के भारत को रोकने की इसने कोशिश की। जब ये लास्ट टाइम भारत आया तब भी ये नामाकूल बंदा ऐसा है, ये एहसान फरामोश ऐसा जिसकी धरती पे आया, जिसका खाना खा रहा है, बच्चों को संबोधन करने गया था, वहां इसने फिर इस्लाम की बोगी निकाल दी, इस्लाम ये वो मुसलमान खतरे में जेनोसाइड।
अगर भैया तू माइनॉरिटीज की बात करा, पाकिस्तान में माइनॉरिटी नहीं है क्या? उग्रों की बात तूने की, पाकिस्तान में हिंदुओं की बात की, सिखों की बात की, क्रिश्चियनों की बात की, आर्मेनिया में क्या हो रहा है, अजरबैजान में क्या हो रहा है, मोरक्को में क्या हो रहा है, मोरतानिया में क्या हो रहा है, वहां तो तुम माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में क्या हो रहा, तुमने माइनॉरिटीज की बात की? और अभी जो माइनॉरिटीज की बात करा ना संजय सर, इसका निशाना केवल केवल मोदी जी पे है। मोदी जी वहां गए, उससे पहले इस्लामिक बोगी उड़ाओ, मुस्लिम जेनोसाइड की बोगी उड़ाओ, शुरू कर दो। लोग तो ये भी कह रहे हैं इसको $4 मिलियन कहीं से मिले हैं, पैसे मिले हैं, और इसकी जो ओबामा फाउंडेशन है उसमें सरोज का पैसा आता है, ये तो क्लियर है। इसकी सरोज के बेटे के साथ मल्टीपल फोटोज है, कोई भी गूगल कर ले आपको ओबामा की फोटो मिल जाएगी जॉर्ज सरोज के बेटे के साथ। और वो जो एंकर कैंटरबरी थी वो भी सरोज फंडेड है। तो मोदी जी के ठीक आने से पहले उसी दिन उसी समय आप ये फिर इस्लामिक बोगी उड़ा रहे हो, शुरू कर रहे हो। और जब डोनाल्ड ट्रंप यहां आया तो फिर आपने इस्लामिक मुस्लिम जेनोसाइड की बात शुरू करने की कोशिश की। ओबामा एक दिन पहले उसी दिन फिर वही करता है, और उसी संस्था का रिपोर्टर वहां जो बाइडेन साहब से मोदी जी से फिर यही मुसलमान की बात उठाता। भाई दुनिया में और कोई विषय नहीं जहां मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी है, इनकी 40-45% आबादी पिछले 45 साल में मुसलमान की बढ़ी है। अगर आप 9-8% को बेंचमार्क ले और आज की आबादी ले 14% के आसपास, तो 40-50% आबादी आपकी बढ़ी है। आप यहां सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है। किस माइनॉरिटी की बात कर रहा ओबामा? तुम्हारा दिमाग खराब है भैया। सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है, 200 मिलियन मुसलमान है, इंडोनेशिया से ज्यादा मुसलमान है यहां पे। आप किस माइनॉरिटी की बात कर रहे हो? सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी को माइनॉरिटी कहते हैं क्या? माइनॉरिटी अगर है ज्यू है, यहूदी है, पारसी है, हम कह सकते हैं जैन है, सिख हमारे भाई है, पर वो जैनिज्म सिखिज्म तो सब हिंदुइज्म का ही आउटशूट है। यहूदी है, पारसी है, माइनॉरिटी है, ऐसे लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं, माइनॉरिटी हो, पर ये मुसलमान माइनॉरिटी कब से हो गया तुमने? और अगर इसकी हिपोक्रेसी को देखे, इस आदमी ने कितने मुसलमान मुल्कों पर हमला किया? कम से कम 5। कितने मिलियन मुसलमान मारे उसका हिसाब नहीं। 26,000 बॉम्ब तो इसने एक साल में मुसलमान मुल्कों पर गिरा है, उसका हिसाब नहीं। और आज ये मुसलमानों का हितैषी बन रहा है, जिसका खुद रिलीजन का पता नहीं, ये प्रैक्टिसिंग है क्या है क्या नहीं है, और आज ये मुसलमानों का मामा बन रहा है। तभी मैंने बोला वामा मामा कल्लू मामा, तुम मुसलमानों के मामा क्यों बन रहे हो? क्यों तुम्हें यहाँ मुसलमान संपन्न है, खुश है, सहर नहीं हो रहा? सीरिया बनाना चाहते हो यहाँ पे? अल्जीरिया बनाना चाहते हो? मोरक्को बनाना चाहते हो यहाँ पे? क्या चाहते हो? इराक बने, अफगानिस्तान बने? और जब माइनॉरिटीज की तुम बात करते हो, हिंदू माइनॉरिटी नहीं भैया, सिख माइनॉरिटी नहीं है क्या? यहूदी माइनॉरिटी नहीं है क्या? मुझे बताइए, इस आदमी ने एक शब्द भी बोला जब आईसिस ने जो प्रताड़न किया, जो शोषण किया यजीदियों का, यजीदियों की औरतें बेची गई सर, मंडी लगा के बेची गई, गैंगरेप होते रहे महीनों तक, गैंगरेप होते रहे, तब इसने कुछ नहीं कहा। और एक चीज तो मैं भूल गया था, मुझे याद आई, जब आईसिस को बनाने वाला, आईसिस को पोषण खाद पानी देने वाला ये व्यक्ति है, मुझे इसका स्टेटमेंट याद है, जब आईसिस के लड़ाके मिडिल ईस्ट में से जा रहे थे पैदल कारवानों में, अगर अमेरिकन आर्मी चाहती एक बम्बार्टमेंट में सारा आईसिस खत्म, इसने बोला दे आर सम मंकीज विद रेड जंपसूट्स। आप कोट अनकोट बोल रहा हूं, दे आर सम मंकीज विद रेड जंपसूट्स। और उन्होंने दुनिया भर में कितना नाश मचाया, कितनी त्रासदी मचाई। इसकी मंशा क्या थी कि ये जो खेलपट का कॉन्सेप्ट है, जहां रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अगर ये चल गया तो धीरे धीरे ये खेलपट बनेगी। और इसने ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या किया, इसने आंख बंद कर ली, बोला दे सम मंकीज विद रेड जंपसूट्स। और जो मुसलमान मुल्कों पे इसने हमला किया ना संजय सर, वो इसकी मजबूरी थी भाई, नहीं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुर्सी निकल जाती, वह रह नहीं पाता वहां, इसको उठा के फेंक देते वहां से। जब आईसिस पे हमला करना था आपने तब नहीं किया, जब बिहेडिंग्स हो गई, जब दुनिया भर की बिहेडिंग्स की वीडियो बनाए, जब वहां बलात्कार हुए। और आईसिस में हमें एक चीज याद रखनी, यहाँ अनपढ़ कोई नहीं था, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग गए थे आईसिस में, सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये अफगानिस्तान की तरह अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग थे आईसिस में। तुमने तब क्या किया? फिर तो डोनाल्ड ट्रंप को आके आईसिस को साफ करना पड़ा, तुमने तो आईसिस का तोहफा दे दिया दुनिया को। व्हाई यू डिड नॉट एक्ट ऑन टाइम? जब तुम्हें सीआईए ने बोला, जब तुम्हें मोसाड ने बोला, मोसाड की तो क्या तुम बात ही नहीं सुनते थे, इजराइलों की तो बात ही नहीं सुनते थे, जब तुम्हें सबने बोला भैया ये खलीफत बनाएंगे, इनका $2 बिलियन का महीने का रेवेन्यू है तेल बेच के, जब फर्जी तेल टर्की में बिक रहा था इराक से निकल के, तुम उसी टर्की में जाके अस्सलाम वालेकुम कह रहे, तुमने उस खलीफा को अर्दोगन को औकात नहीं दिखाई? भाई तू कैसे इराक का तेल वहां 2 नंबर में बेच रहा, तेरे ट्रक तेरे बॉर्डर पे ट्रक आ रहे हो तेल बेच रहे, तुझे पता नहीं? हाउ कम तुझे पता नहीं? वो तो दुनिया इकट्ठी हो गई। और उस अलायंस में अगर रशिया नहीं आता सर,
तो आइसिस नहीं हारता, इसमें मिडिल ईस्ट भी आया, उसमें अमेरिका भी आया, रशिया भी आया। तो मतलब जो ये फ्रैंकेस्टीन बना के गया था आइसिस, उसको दुनिया भर ने, अमेरिका और रशिया पहली बार एक मिशन में आया और उसको खत्म कर दिया गया। और ये जो चाइना के नाम की हड्डी इसने अमेरिका के गले में फंसा दी, वुहान वायरस वो लाए, उनके पास पैसे आ गए, हर उल्टा सीधा काम करने लगे, आज उनकी हुआई डाटा चुराती, जट्टी डाटा चुराती, उनके ऐप डाटा चुराते हैं। तो चाइना को लाने वाला कौन, चाइना को खाद पानी देने वाला कौन, चाइना के लिए टेक्नोलॉजी खोलने वाला कौन, चाइना के लिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को चाइना ले जाने वाला कौन, अमेरिकन कंपनियों को चाइना में जाने के लिए इंसेंटिव देने वाला कौन। चाइना इज द इनोवेशन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, चाइनीज आर द मोस्ट डिलिजेंट पीपल, ये कहने वाला कौन। मैं आज पूछता हूं आपके माध्यम से संजय सर, इस आदमी को इतनी क्या सहानुभूति थी कम्युनिस्ट चाइना के साथ, और इसने डेमोक्रेटिक इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं आंसर बताता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है इसमें 85% हिंदू रहता है, ये एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, और मोदी जी हिंदुओं के बहुत बड़े और सम्मानित नेता है, और उस बहुत बड़े और सम्मानित नेता को विश्व स्तर पर नीचा दिखाने के लिए इसकी हसरतें इतनी साल बाद भी पूरी नहीं हुई, फिर इसने इंटरव्यू दिया। और एजेंडा क्या था, अब मोदी जी इजिप्ट जाएंगे, मैं इस्लाम मुसलमान की बोगी उठाऊंगा, जो हम इजिप्ट से गैस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इजिप्ट को तो हमसे वीट चाहिए, हमसे मिनरल ऑयल चाहिए, जो हम उनसे तेल और गैस लेने की कोशिश करें, हमारी कतार पे डिपेंडेंस खत्म हो, उससे पहले आपने ये इंटरव्यू दे दिया। भाई ये मोदी तो मुसलमानों के अगेंस्ट है, भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, शोषण हो रहा, जबकि सबसे संपन्न तो मुसलमान यहाँ है दुनिया में, इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी और पीसफुल। इस आदमी का जो इस्लामीकरण हो चुका है सर, उसके दिमाग का हो चुका है। ये ओबामा नाम का है, इसको नाम अपना रखना चाहिए हुसैन ओबामा, हुसैन ओबामा, ये बराक वराक हटा दो, खुल के सामने आओ खेलो। और बराक वो तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया ना, हाँ कि भाई हुसैन ओबामा जो है वो इस तरह के हुसैन ओबामा टाइप के पीस जो है वो हमारे यहाँ भारत में भी बहुत पाए जाते हैं, पहले हम उनको टैकल करेंगे, उसके बाद इस हुसैन ओबामा की बात करेंगे। बिल्कुल सर, कहने का अर्थ यही था कि इस तरह की जो मेंटालिटी है ये बहुत सारे लोगों में पाई जाती है भारत में भी। बिल्कुल संजय सर, बिल्कुल सर, हमारे इस्लामिस्ट ने उसको दूसरी तरीके से देखने का प्रयास किया, लेकिन सही बात तो यही है कि बिल्कुल सही है, इस तरह की मेंटालिटी बहुत लोगों में पाई जाती है। लेकिन एक और जो प्रश्न यहाँ उत्पन्न हुआ वो ये था कि ऐसा माना जाता रहा है अभी तक कि जो बाइडेन जो है वो बराक ओबामा से बाहर नहीं जाता है और बराक ओबामा की लाइन टो करता है और बहुत सारे चीज़ों में लग भी रहा था ऐसा। तो अब ये जो देखा हमने इस विजिट में और जिस तरह से अमेरिका की जो एटीट्यूड थी उसमें एक सब्सटेंटिव चेंज था, खाली ऑप्टिक्स नहीं था जी। तो जो बाइडेन चूंकि ओबामा की बात से बाहर गया है थोड़ा, तो इसलिए भी ओबामा ने किया होगा इस तरह से कि भाई इसको विजिट में थोड़ा सा पलीता लगाएं, कुछ इसको डीरेल करें, क्योंकि ये जो बाइडेन तो हमारी बात मान ही नहीं रहा, ये तो पूरा झुका जा रहा है मोदी के सामने। सर अभी इसमें बेसिकली क्या हुआ, इसकी इस घटनाक्रम को अगर आप थोड़ा 3 महीने पहले ले जाए, 3 महीने में एक लेडी थी जो बाइडेन की एडवाइजर थी, सुजन राइस। सुजन राइस खास ओबामा की बंदी है, सुजन राइस के थ्रू ये जो चाहता था जो बाइडेन के कान में डलवाता था, जो बाइडेन आज ये कहता था, सुजन राइस मिलती थी फिर ये कहता था। अब उसी सुजन राइस के बारे में जो इंफॉर्मेशन आई है, सुजन राइस का एक तो व्हाइट हाउस में एंट्री बंद करा दी, अब व्हाइट हाउस का ऑफिस और CIA लॉग निकलवा रहा है कि सुजन राइस कितनी बार व्हाइट हाउस आई, क्या करने आई। अगर तुम्हारा एडवाइजर है वो तो कभी भी आ सकता, अब उसके लॉग क्यों निकाले जा रहे हैं, वो किससे आई, किससे मिली, कितनी देर रही, ये चीजों की जांच क्यों हो रही है। अगर सुजन राइस का कैरेक्टर और उसका चरित्र और उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं संदेहास्पद नहीं है, मतलब देयर इज नो डाउट अराउंड इट, तो वो लॉग क्यों निकाले जा रहे हैं। अब जब से सुजन राइस को इसने हटाया और हमारी एक देसी इंडियन अमेरिकन है उसको उसकी जगह लिया है, तब से ओबामा और बौखला गया। ओबामा का मंशा था कि इसको खड़ा रखो और हम मैं अपनी राइट टाइम पे अपनी बीवी मिशेल ओबामा को सामने खड़ा कर दूंगा, मिशेल ओबामा के थ्रू और 8 साल दुकान चलेगी अपनी, फिर वो इस्लामीकरण होगा।
इसके टेन्योर में जितने इस्लामिक संस्थान है आप अमेरिका में देखिए, सारे इस्लामिक संस्थानों का अगर आप ग्राफ देखिए, सबका ग्राफ 90 डिग्री पे बढ़ा सर, ऐसे सारे इस आईएमसी की बात करें, किसी और की भी बात करें, सबका ग्राफ ओबामा के टाइम पे ही क्यों बढ़ा। अब दूसरा एंगल भी है इसमें, अब जो बाइडन ने, आप तो ये तो सब जानते हैं, हंटर बाइडन के लैपटॉप में बहुत बवाल है, कुछ कुछ निकल रहा, कुछ कुछ नहीं निकल रहा। मैं शुरू से आपके शो पे भी कहता रहा हूं, हंटर बाइडन का बिजनेस चाइना और यूक्रेन में ही क्यों था, इंडिया में क्यों नहीं था? बड़ी इकोनॉमी। और अगर आप ट्रंप का देखिए, ट्रंप का सबसे बड़ा बिजनेस जो आउट ऑफ यूएस है वो इंडिया में लेजिटिमेट बिजनेस है, टावर बनाते, बिल्डिंग बनाते, कोई आपत्ति नहीं, सबको दिख रहा है, अब गुड़गांव में बन रहे। मतलब मैं कह रहा हूं कि अब जो हंटर बाइडन के लैपटॉप से बवाल निकलते जा रहे हैं, जो बाइडन को लग रहा है यार अब तो बात बनेगी नहीं। यहां हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट आता है, हिलरी क्लिंटन बहन जी कहती है, आंटी जी सॉरी आंटी जी, मेरी तो आंटी हुई, तो आंटी जी कहती है कि भैया ये जो बाइडन की उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गए हैं, तो इनकी उम्र उम्र जो है एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने कहा बहन जी, आंटी सॉरी सॉरी आंटी जी, अब याद आया उम्र हो गई, बेनगाजी में जो आपने कांड करवाया ओबामा के अंडर, जो आपने अमेरिकन मरवाया, जो अपने एम्बेसडर बनवाया, वो लोग बोले नहीं है। जब इस ओबामा को बोला गया बेनगाजी के टाइम में फोर्सेस डिप्लॉय करो, इसने नहीं किया। जब इनको बोला गया मोसाड से हेल्प ले लो, इजराइल कैन प्रिवेंट दैट अटैक एंड कैन, मतलब ना प्रिवेंट, और ये अमेरिकन जो वहां के जो बेचारे वो प्राइवेट गार्ड्स थे और जो अमेरिकन एम्बेसडर थे वो शायद बच जाते, ही चोज नॉट टू एक्ट। सर इसकी फिर लंबी फेरिस्त है, और इसने जो बाइडन के बेटे के थ्रू पैसे दिलवाए चाइना से, इसने पैसे दिलवाए यूक्रेन से, और यही तो काम हो रहा है। अगर आप अभी आप एक और कांड देखिए, हमारे टॉपिक से रिलेशन ही छोटा सा है, अभी पेंटागन ने कल परसों एक चीज बोली, बोली $6.2 बिलियन ना हमसे अकाउंटिंग मिस्टेक हो गई, वो यूक्रेन चला गया। दो दिन वो यूक्रेन नहीं गया, वो गया प्रिगोजिन के पास। करेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ, और वो पैसा प्रिगोजिन के पास पहुंच गया, उसने पैसे भी रख लिए और काम भी नहीं किया। तो इन अमेरिकनों का, अरे उसने तो पैसे पुतिन से शेयर कर लिए, पता नहीं आपको बांट दिए पैसे आपस में चचेरे भाइयों ने, तो इनका वहां भी मामा बन गया। तो ये जो इनका, और एक चीज है सर, ये जो इस्लामिक मेंटेलिटी है, मानसिकता है, अमेरिकनों को एक चीज समझनी पड़ेगी, ना आप इसको पैसे से खरीद सकते हो, ना इनको पोजिशन देख के ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता बदल सकती है। ये आपको क्लियर समझना पड़ेगा, जिस बराक हुसैन ओबामा को आपने इतनी बड़ी गद्दी दी, इतना बड़ा पावर दिया, वो आपका सगा नहीं हुआ, आपके दरवाजे में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपकी इकोनॉमी में चाइना को फंसाने का काम कर गया, और चाइना ऐसी हड्डी है जिसको निकालने में आपको दशकों लग जाएंगे, अगर आप निकाल पाए तो, जिसमें मुझे डाउट है। तो ये आपको एहसान करके मैंने करीब 10 पॉइंट गिनाए हैं, ये बराक हुसैन ओबामा का शुरू से लेके एंड तक इसकी मेंटेलिटी इस्लामी है, इसका ही इज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इस्लाम, क्योंकि देखिए फादर का डीएनए है, वो तो बदलेगा नहीं, डीएनए तो हमें से कोई नहीं बदल सकता, फादर का डीएनए वो नहीं बदल सकते। तो ये कहीं ना कहीं, और जो लोग कहते हैं उन्होंने इस्लामिक कंट्रियों पे हमला किया, वो तो मजबूरी थी भैया, अगर उस कुर्सी पे बैठना, हमला करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जो उन्होंने कर्म कांड किए जो मैंने गिनाए वो क्यों किए, इसकी मंशा क्या थी। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, इवन बाइडन ने ऐसा कोई बड़ा कांड नहीं किया, तो यहां ये चीज क्यों कर रहा है, ये पाकिस्तान को मिलिट्री एड क्यों दे रहा था, जब तुम्हें पता तुम्हारा चचेरा भाई ओसामा वहां बैठा है। ओबामा ने ओसामा को बचाने के लिए पाकिस्तान को पैसे दिए क्या? ओबामा और ओसामा का क्या गठबंधन है, ये क्या कहानी है, ये चीज का इतिहास बताएगा। और इसकी औकात सर, ये हमें पार्टीशन की धमकी दे भैया, यहां पार्टीशन हो गया 1947 में, जिसको वहां निकलना था निकल लिया, जिसको यहां रहना था वो यहां रह गया, तुम हमें पार्टीशन की धमकी देने की औकात नहीं रखते, तुम्हारी औकात कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं तुम अपने यूएस को बचाओ, यूएस में तुम्हारा कैलिफोर्निया करीब करीब 50% जीडीपी कंट्रोल करता, वो तो सदियों से कह रहा, वो तो खुल के कहने लगा मैं अलग कंट्री बनूंगा, कैलिफोर्निया तो खुल के कहता है ना भाई 50% जीडीपी हम दे, हम अलबामा को क्यों पाले, हम बाकी प्रोवेंसों को क्यों पाले, तुम अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बचाओ, तुम वहां बचाओ, वहां के होते हुए इस्लामीकरण को बचाओ, वहां जो आजकल कर्म कांड हो रहे हैं उनको बचाओ। और ओबामा यानी कि कल्लू मामा, एक बात सुनो, तुम्हारे यहाँ लास्ट ईयर 1.3 मास शूटिंग हुई है, हर महीने, हर पूरे साल का एवरेज है 1.3 मास शूटिंग पर डे, अभी यू आर डूइंग 1.1,
आतंकवाद की बात करो, जेनोसाइड की बात करो, तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा लोग अगर गन शॉट से कहीं मरते वो अमेरिका में मरते हैं साहब। नंबर वन हो आप, नंबर वन हो, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम भारत चीज के में नंबर वन है, रेप में भी बहुत पीछे नहीं है, रेप में भी इनके यहाँ तो एवरेज है 18, और भारत को कहते हैं कि साहब रेप कैपिटल है जहाँ का एवरेज है 1.8। सर डिवोर्स में इनका इनका नंबर है 43%, हमारा 1% है। और बिफली फेथ इन गॉड, ये तो लोग तो क्या बताऊं, ये तो चर्च बेच रहे हैं आजकल, कहना नहीं चाहिए पर अब हमारे देश की बात करेंगे हम तो बोलेंगे ना चर्च बेच रहे हो तुम आजकल, और खरीदने वाला कौन है ये भी देख लेना, बराक हुसैन ओबामा वो देख लो तुम्हारे चर्च खरीद कौन रहा है। हालत ये तुम्हारी खराब, तुम्हारा डेट दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 34.7 ट्रिलियन हो गया, डेट सीलिंग हिट कर गए, तुम्हारे इलीगल इमिग्रेंट्स आर मोर देन योर लीगल इमिग्रेंट्स, मोर देन योर लीगल इमिग्रेंट्स। आज आज तुम्हारा नेट बोरोइंग हैज एक्सीडेड नेशनल सेविंग्स, तुम्हारा स्टूडेंट लोन्स और क्रेडिट कार्ड बोरोइंग हैज स्काईरॉकेटिंग इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ वो जो जॉम्बी ड्रग चल रहा है जिसको खा के आदमी जॉम्बी हो जाता है, और जो मीट ईटिंग ड्रग जिसे कहते हैं, जिसकी दवाई तुम भारत से मांगने गए थे और चाइना को तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हाथ जोड़ने गया था, भाई वो दवाई मत भेजो जिससे वो ड्रग बनता है, ड्रग की प्रॉब्लम तुम्हारे हर प्रोविंस में। और हाँ, ड्रग से मुझे याद आया, ये मामा जी भी तो ड्रग एडिक्ट थे, ये भी तो बचपन में ड्रग एडिक्ट रहा है, तो ड्रग एडिक्ट। और इसने जो अमेरिका के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया संजय सर, चाइना वाला कांड जो उसने सिस्टमेटिकली 8 साल में किया, जो बाइडेन के बेटे को पैसे दिलाए, डेमोक्रेट्स को फंड दिलाए, सोरोस की फंडिंग पूरे डेमोक्रेट्स लेते हैं। आपको एक और आंकड़ा बताऊं संजय सर, लास्ट एक साल में सोरोस का बेटा 17 बार व्हाइट हाउस आया, दिस इज ऑफिशियल कवर्ड बाय अमेरिकन मीडिया। तो मैं इनसे पूछता हूं, व्हाइट हाउस में क्या वो गार्डनिंग करने आता है, क्या टॉयलेट साफ करने आता है? 17 बार वो क्या करने आ रहा है, वहां चाय पिलाते हो क्या उसको, बिरयानी खिलाते हो क्या उसको? 17 बार सोरोस का बेटा व्हाइट हाउस करने क्या आता है? और सोरोस की मानसिकता क्या, सोरोस के बारे में डॉक्टर जयशंकर जी बोल चुके हैं, हमारे कई मंत्री बोल चुके हैं, उसकी मंशा क्या भारत को लेके, तो उसी सरोज का बेटा 17 बार व्हाइट हाउस क्यों आ रहा है? और अब इसको जब दिखा कि ये हमारा दद्दू, ये बाइडन, ये कंट्रोल से बाहर निकल रहा, तो इसने बोला मैं इंटरव्यू दे दो, वो भी $4 मिलियन लेके। पर मैं तुम्हें बता दूं ओ मामा, तुम भारत में एक ईंट नहीं हिला पाओगे, तुम्हारी औकात उतनी है, यू कैन नॉट मूव अ ब्रिक हियर। तुम अपने देश को देखो, अपने परिवार को देखो, हमें हमारे हाल पे रहने दो, हमारा उदय आएगा। और अगर तुम सोचते हो ये स्टेटमेंट देके तुम मोदी को रोक लोगे, 2024 का इलेक्शन स्विंग कराओगे, वो जमाने निकल गए, वो 20-30 साल पहले संभव था। आज तुम उठो, जागो, कुछ खाओ पियो, कुछ सूंगो, अब मैं नहीं कह रहा क्या सूंगो, और औकात में रहो। तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, भाजपा को आने से, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तुम्हारा पूरा कबाल नहीं रोक पाएगा, तुम्हारा कबाल टूट रहा है, तुम्हारे कबाल में खुद बादशाह स्पेस एलआर और रानी को सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि प्यादे व्यादे अब काम नहीं कर रहे, घोड़ा वोड़ा काम नहीं आ रहा, खुद तुम्हारे कबाल के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको खुद सामने आना पड़ रहा है। और तुम ओबामा आज टूल किट का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ द टूल किट, तुम अब टूल किट के मेंबर नहीं, तुम टूल किट के पार्ट हो। और एक बात याद रखना, भारत में तुम सोच रहे हो कि एक इंटरनल वॉर कराओ, एक लड़ाइयाँ कराए, आगजनी कराए, ऐसी हसरतें लेके 13वीं सदी से लोग आते रहे जाते रहे, तुम भी आओगे तुम भी निकल जाओगे, हम जहां थे वहीं खड़ा रहे। सनातन को ना कोई हिला पाया है, ना कोई हिला पाएगा। तुम्हारा धर्म मजहब कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सनातनियों का देश है, महाकाल की कृपा है इस पे, इससे हिलाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। तुम किस खेत की मूली हो, मैं तो डायरेक्ट कहता हूं तुम्हें। जी सर, तो अब ये अभी देख रहे हैं कि ओबामा को इससे भी परेशानी हो रही होगी कि जिसको उसने इतना पाला पोसा यानी पाकिस्तान को, उसको अब जो बाइडेन बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, वो $1.1 बिलियन के लोन के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, और उसको IMF ने $1.1 बिलियन की जो लास्ट किस्त थी वो नहीं दी, वो पूरा प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया जून में। अब नए प्रोग्राम की बात हो रही है, उसके लिए भी उसको जो है वो पूरी तरह से रुला रहे हैं। बाकी सब ने कंडीशन रख दी कि जब तक IMF नहीं देगा और उसकी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं देंगे। तो अब आप ये बताइए कि ओबामा का इससे भी लिंक है, उसको बहुत दुख हुआ होगा,
जब उसने देखा होगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जा रहा है और छाता चुरा लेता है। सर आपने इतना अच्छा विवरण दिया है। ये ओबामा एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे टाइम अपने टेन्योर में पाकिस्तान को इसने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, उस दम पे पाकिस्तान की दाल रोटी चलती रही। इसने पूरे टाइम कोई ऐसा काम नहीं किया जिसने इसने पाकिस्तान को के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में इसने एक बार नहीं बोला, इस्लामिक टेरर नहीं बोला। आपकी बात तो डिक्लेरेशन में क्या पाकिस्तान भी आ गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी आ गया, इसने अपने टेन्योर में कुछ नहीं कहा। अब जो पाकिस्तान जहां इसकी सहानुभूति है, कई बार पाकिस्तान जा चुका है सर, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे अपने उनको अपने सरकारी आवास पे उनको इनके गवर्नमेंट की अकोमोडेशन वगैरह भी दी थी, पूरा आदर सम्मान दिया था रुकने के लिए। तो पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रियों के प्रति इसकी सहानुभूति है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस पाकिस्तान को जिसने इसने पाला पोसा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ सर, मैं डायरेक्ट बिना हिचके कहूंगा, जहां मेरे देश की बात है कि मैं किसी से घबराता नहीं। इसने पाकिस्तान को खड़ा किया, इसने आप पाकिस्तान को खड़ा किया केवल इसलिए ताकि कहीं ना कहीं इसको हिंदुओं से, इसको भारत से तकलीफ है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान को खड़ा करने का मतलब नहीं। जहां जिस पाकिस्तान ने में अमेरिकन डेजिग्नेटेड सारे आतंकवादी छुपे हैं, सारे अमेरिकन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहां पाए गए पाकिस्तान में, इनामी टेररिस्ट कहां पाए गए पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान को तुमने एड दिया, उस पाकिस्तान को पैसा दिया जहां ओसामा बिन लादेन वहां है, उस पाकिस्तान को पैसा दिया जो न्यूक्लियर बम बना रहा था, उस पाकिस्तान को वहां पैसा दिया लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा, आईसिस, जितने भी जिहादी संस्थान है सबको मदद कर रहा था। तो कहीं ना कहीं तुम तो हैंड इन ग्लव हो भैया उनसे, तुम्हारी कहीं ना कहीं सांठगांठ तो है उनसे, नहीं तो तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है, व्हाई शुड यू डू दिस। और अब वही पाकिस्तान जब से डोनाल्ड ट्रंप ने उनका पैसा काटा, देखिए हमने डिमोनेटाइजेशन कर दी, वो भिखारी हो गए, अब तो मतलब नंगे भिखारी हो गए, अब तो नंगे होके घूम रहे हैं। अब आपने सही बोला संजय सर, आपने बहुत अच्छा विवरण किया कि पेरिस में तो छतरी चुरा ली उस लेडी से, वो लेडी बेचारी बारिश में भीग रही उसकी छतरी चुरा ली, और वो लेडी भी ओबामा के ही उसके चचेरी ममेरी बहन थी, अब उसकी अपने दोस्त की चचेरी ममेरी बहन की भी छतरी चुरा रही उसने। अब ये छतरी चोर, अब तो छतरी भी रख ली होगी, छतरी तो देंगे नहीं अब हकीकत ये और पता नहीं उस लड़की को देखना पड़ेगा गड़ी वड़ी। उसके बाद पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा कि उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से कह रहा था कि भाई चेक तो लिख दो, कुछ पैसे दे दो, ये दे दो नहीं तो वो दे दो, मुझे गाना है ना कि भाई मेरी भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। ये गाना गा रहा था मोहम्मद बिन सलमान के सामने, देखा नहीं आपने? हाँ देखा मैंने, और वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा पैसे नहीं भाई, कह रहा साहब कुछ तो दे दो, कहता क्या दू, कहता कह रहा ये घड़ी दे दो, तो कह रहा होगा ये घड़ी दे दो, अब मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी भी तो 2-3 million dollars की होगी ना, तो कह रहा यार ये कुछ घड़ी दे दो कि घड़ी हम घड़ी मिल जाए तो घड़ी से ही मेरा काम चलेगा। तो यहाँ ये घटना हो रही है। तो अब ये एक बात बताइए, अब ये भिखारी है, अब मैं आपको इनका एक आंकड़ा बताऊं सर, इनको आने वाले 3 महीनों में या बाई दिस ईयर एंड इनको 17.1 billion dollars का तो कर्जा हो चुकाना है। अब अप्रैल 23 से 26 अप्रैल तक इन्हें 71.4 billion dollars का कर्जा चुकाना है। अगर IMF ने 1-2 billion dollars दे भी दिया, इधर उधर से दे भी दिया, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, उससे करेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, अब तो छतरियां चुरानी पड़ेगी, मोहम्मद बिन सलमान को तो भी देखना पड़ेगा उसकी घड़ी वड़ी तो नहीं निकाल ली इसने, क्योंकि शरीफ घड़ी भी निकाल सकता है। और जब से इसको जरदारी ने गूगली डाली है कि हम PTI से टाइप करेंगे, तब से तो अटकल है कि नवाज शरीफ को वापस लाओ, नवाज शरीफ को वापस लाओ, ये कह रहा होगा भैया मुझसे नहीं संभल रहा, ये बहुत कमीने लोग हैं यहाँ पे, बहुत तंग करते हैं मुझे, हमसे नहीं संभल रहा पाकिस्तान, आप आके संभालो। अब हालत इनकी ये है, इन्हें कोई पैसे नहीं दे रहा चीन को छोड़ के। चीन ने जो लास्ट टाइम पैसा दिया 1-2 billion, उसमें बोला भाई तुम्हारी फॉरन पॉलिसी हम कंट्रोल करेंगे, तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी हम कंट्रोल करेंगे, और तुम्हारे सारे डिफेंस और मेजर पॉलिसी डिसीजंस में चाइना की भागीदारी होगी। इस शर्त पर चाइना ने $1 billion दिया है। अभी ये जो काम चला रहे संजय सर, जो पाकिस्तानी थोड़ा बहुत $100-200 बाहर जो रहते भेजता है, उसको बोलते हैं 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, तब तक उनकी टोपी घुमा रहे हैं आजकल। जो लोग का पैसा बैंकों में आ रहा है उसकी टोपी घुमा घुमा के काम चला रहे। ये छतरी चोर है, इन्होंने अपनी जमीन चाइना को बेच दी है,
इमरान खान की जो बहन थी उस पर तो लड़कियां बेचने का आरोप लगाया, भाई ये चाइना को लड़कियां बेचती थी, दूसरे पे लैंड ग्रैबिंग का आरोप लगाया। यहाँ चोरी चोरी चकारी करना और लोगों को लूटना तो इनकी फितरत है। इन्होंने काम कब किया संजय सर, पिछले 75 साल में इन्होंने काम कब किया? कभी ये दहशतगर्दी की जंग लड़ते हैं, कभी ये गजनवी हो जाते हैं, कभी ये गाजी बन जाते हैं, और कभी ये शहीद बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं। आज ये तालिबान को खड़ा करते कहते तुम हमारे भाई हो, हम मिलके जिहाद करेंगे। फिर जब कोई पैसे देता कह रहा अब हम तालिबान को ठोकेंगे क्योंकि अब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। तो ये तो हायर्ड गन है ना, इनको जो पैसे दे उसका काम करते, इनके यहाँ धर्म ईमान कोई नहीं है। जहां की प्रधानमंत्री की बहन पे लड़कियां बेचने का आरोप हो, दूसरी बहन पे लैंड ग्रैबिंग का आरोप हो, उस देश से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अगर शरीफ और छतरिया चुरा रहा वो तो फिर भी लड़कियां बेचने से तो अच्छा ही है ना, छतरिया ही तो चुरा रहा है, लड़के अगर गड़ी बड़ी MBS की चुरा ली तो कोई बात नहीं, बेचारा मजबूर है। अब ये संजय सर ये आपको पता आया कैसे था? वहां तो पैसेंजर जहाज से आया होगा क्योंकि जहाज में तेल में डालने के भी पैसे नहीं इनके पास, तो जहाज इस देश जहां भी जाता है वहां जब्त कर लिया जाता है, आपको भी पता है। वही तो तभी तो पैसेंजर जहाज में आते हैं ना, किसी और एयरलाइन की अपना जहाज ले लिया तो पता लगा फ्रांस वालों ने रोक लिया, कहता जहाज छोड़ तूने पैसे देने हमारे। अब क्या करते हैं फ्रांस की एयरलाइन में इकोनॉमी क्लास की टिकट लेके ऐसे बैठते हैं ताकि अब फ्रांस वाले अपना जहाज थोड़ी ना जब्त कर पाएंगे। तो ये तो इनकी हालत है, ये पूरे अभी तो देखिए सारी एयरलाइंस ने, फॉरेन एयरलाइंस ने वहां जाना भी बंद कर दिया है, तो इनको दुबई आना पड़ता है, फिर दुबई से दूसरा कोई फॉरेन एयरलाइंस का जहाज पकड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैसे तो हर एक के देने, उन्होंने पैसे तो किसी के दिए नहीं। अब मलेशिया वालों ने भी इनका जहाज रख लिया, पर ये उम्मा वाले लोग भी इनके साथ बड़ी नाइंसाफी करते। अरे उम्मा के भाइयों, उम्मे के ठेकेदार बनते हैं, ये इनका ही जहाज रख लिया आपने, ये तो शाहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तुम तो पूरे टाइम उम्मा इस्लामिक उम्मा ये करते थे, और आजकल सर वो OIC वाले कहाँ गए? उनके पास तो इतना पेट्रोल है, इतना पैसे वाले लोग हैं, वही इनको कुछ मदद कर दे। अब जब ये मदद की बात आती, ये अमेरिकनों के पास क्यों जाते हैं, ये फ्रेंचों के पास क्यों जाते हैं, काफिरों के पास क्यों जाते हैं? अब 57 मुसलमान मुल्क है, लॉजिकली तो उनके पास जाना चाहिए। शाहबाज शरीफ को जहाज लेके पूरे 57 का चक्कर काट के 10-20 बोहरे डॉलरों के लिए आता ये, तो ये काफिरों के पास पैसे मांगने के लिए, वर्ल्ड बैंक वाले काफिर, ये IMF वाले काफिर, ये फ्रेंच काफिर, ये अमेरिकन काफिर, ये चीनी भी तो काफिर है, ये काफिरों से पैसा क्यों मांगते हैं? वैसे आप पूरे टाइम उम्मा OIC कश्मीर ये सब बात करते रहते हो, पर जब पैसे की बात, एक चीज और देखी नहीं शायद, वही इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वाले से ये कह रहे थे कि भैया मैं तो तुमको बहुत बढ़िया आम भेजूंगा, टॉप क्वालिटी, और ये जो है ये आम बेचने का भी धंधा शुरू कर दिया है उसने, तो वो आम बेचने में कमीशन देता है और उससे कहता है कि भाई हमको कुछ डॉलर दे दो उधार में। सर ये अब तो उस डॉलर उधार में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वाला भी सोचता है कि हम अगर इसको उधार दे देंगे तो ये पता नहीं अपने बगीचे में आम बेचने में, आम एक्सपोर्ट करने में लगाएगा या कि पाकिस्तान में लगाएगा। नहीं देखिए पैसा, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा भावला प्रधानमंत्री है जो सोच रहा है कि आम देके डॉलर ले आऊंगा, आम देके डॉलर ले आऊंगा। यार अगर ये धंधा होता तो दुनिया के सारे डॉलर हमारे यहाँ होते भैया, हमारे यहाँ बहुत आम उगता है और तुम तो आम यहाँ से ले जाते हो, पहली। दूसरी बात ये जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वाले, इनको एक चीज तो बहुत स्पष्ट समझना चाहिए संजय सर, जैसे पैसा मिलेगा देखिए आधा बर्मिंगम जाएगा, आधा मियामी जाएगा, आधा लंदन जाएगा, आधा लेस्टर जाएगा, ये पैसा आधा कनाडा भी जाएगा, कनाडा में तो इन्होंने पूरा इहाता बनाया अपना, तो ये पैसा हर जगह जाएगा, हर जगह के रियल एस्टेट को बूम करेगा। अब वेस्टर्न वाले भी, अब वेस्ट वाले भी इनको क्यों पैसा देते, उन्हें पता है वो पाकिस्तान तो जाना नहीं, हमारे वेस्टर्न कंट्रियों में जाके बटना है, प्रॉपर्टियों में लगना है, तो हम इनको उधार देंगे, आएगा तो वही, पाकिस्तान तो कुछ जाना ही नहीं, पाकिस्तानियों का इनको क्या है टेंशन है, वो जिंदा है जी रहे जब तक जी रहे हैं। अब वैसे भी गधों का बिजनेस तो माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है, गधों कुत्ते ये बिजनेस तो जबरदस्त चल रहे होंगे, डॉलरों की तो वहां बारिश हो रही होगी, ये तो इनकी कहानी है सर। इन्हें जो भी पैसा IMF से मिलेगा, इस्लामिक बैंक से मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, सारा लंदन बर्मिंगम सारा कनाडा अमेरिका पहुंच जाना, वहां की प्रॉपर्टियों में जाना, मिलिट्री में ऐश करनी है, और ये इनकी हकीकत है। कनाडा में तो इनका कॉम्प्लेक्स है सर, एक पूरा पूरा एरिया इनकी मिलिट्री वालों ने घेर रखा, जहाँ उनके सबके मकान है, वहाँ क्लब है, वहाँ पोर्क भी चलता, वहाँ दारू भी चलती है, और वहाँ और भी बहुत कुछ चलता है, खैर वो तो शो पे नहीं बोलना चाहिए, हमारे दर्शक समझ जाएंगे, हर काम वहाँ चलता है। तो ये तो वहाँ याशी की जिंदगियां काट रहे हैं,
और ये सुनने में तो ये भी आया कि इनमें से कुछ इनके एक्स पाकिस्तानी मिलिट्री के और सिविलियन, अब ग्रूमिंग गैंग्स की बात देखे, अभी जो 12-13 लोग यूके में जिनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, 12-13 लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, वो तो सारे पाकिस्तानी है ना, कुछ तो 40-40 साल, 48 साल, 50-50, 52 साल के भी, और लोवेस्ट लड़की सर जिसकी एज है 13 साल, खुद सोचिए 50-52 साल का बंदा और 13 साल की लड़की, मतलब ये तोहफा ये देते हैं सिविलाइजेशन को, जो तुम्हें पनाह देता है, जो तुम्हें खाना देता है, पीना देता है, सोशल सिक्योरिटी देता है, और बदले में तुम उनके साथ क्या कर रहे हो, बदले में तुम उनके साथ ये कर रहे हो, ये तो आज की हकीकत है। तो मीडिया में खबर है 13 बंदे, 13 के 13 पाकिस्तानी, 48-50-52 साल का बंदा है और 13 साल की लड़की है, मतलब जहां भी ये जाते अपनी हरकतें नहीं छोड़ते, जहां भी जाते अपना रंग जरूर दिखाते। हमारे यहाँ सुंदर पचाय, सत्य नडेला, संतु नारायण, इंदिरा नूरली, राइट, और वो जो प्रमिला जयपाल थी जो डेलीगेशन लेके आ रही थी, वो भी तालियां उठ उठ के बजा रही थी, स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी। हमारे यहाँ इंडियन ऐसे, और इनके यहाँ ये रेप, इस पे 15 रेप, इस पे 13 में रेप, इस पे 4 साल की लड़की का रेप, इस पे 13 साल की लड़की का रेप, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ इनकी मानसिकता क्या है। 13 साल की बच्ची सोचिए सर आप, 13 साल की बच्ची गुड़िया, और ये 50-52 साल का आदमी, मैं तो आई कैनॉट, मतलब दिस शैटर्स माय इमेजिनेशन, आई कैनॉट इवन थिंक, मतलब किस तरह की मानसिकता आप लेके गए हो, आपने रेडिकलाइजेशन किस चीज पे लेकर दिया। और यहाँ तो इंटरनेट पे चीजें भी आती, पता नहीं कोई, मतलब बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कोई तो बकरी की बातें करता, कोई तो अभी पीछे साइलेंसर की भी बातें कर रहा था, साइलेंसर का सदुपयोग हो रहा है। तो ये चीजें भी वहां आ रही है, तो मतलब किस तरह की रेडिकलाइज सोसाइटी, और इस पे कोई भी पैसे लगाएगा, पैसे डूबेंगे सर, वो सऊदी लगाए, वो चीनी लगाए, कोई भी लगाए, हाँ चाइना, आप ये देखिए, ये सब जो है आप जो तथ्य बता रहे हैं, अब वो बेचारी नूपुर शर्मा ने एक बुखारी की हदीस है 5134, वो बोल दी तो कह रहे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये यही तो मानसिकता है ना इनकी, ये जो कत्ल का, ये ओबामा की ये मानसिकता भी है, और ओबामा भी इसी तरह की हरकतें करता रहा होगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ये जब इसके पाकिस्तान की जो इसका पेट है उसके ये हालत है, तो ये जो सोरोस से फंडिंग आ रही है, ये हमारा $1-2 बिलियन ओबामा पाकिस्तान को क्यों नहीं डाइवर्ट कर देता, सारे पैसे अपने फाउंडेशन के लिए क्यों रखे हुए? सर सारे पैसे अपनी फाउंडेशन के लिए रखे क्योंकि उसको भी तो ऐश करनी है, उसको भी तो अपने शौक पूरे करने हैं, इनका तो नाम है, इनका तो बहाना है। अभी तो जो हमारी वो फेमस जर्नलिस्ट है वो जो अमेरिका में आजकल तो ये भी रिपोर्टें आ रही है ना, जो उसने कोविड में पैसा इकट्ठा किया था 50 लाख की, तो FD बना ली। तो इनकी जो मानसिकता है ये तो वही है, देखो पैसे किसी के नाम से भी इकट्ठा कर लो, पर अपनी ऐश, अपनी अपने अयाशिया, अपने जेट, प्राइवेट जेट, ये सब चलते रहे और ये दुकान चलती रहे, और कहीं ना कहीं कुछ अगर स्टेटमेंट देने के पैसे मिल रहे हो, अगर कोई 4 मिलियन दे के एक इंटरव्यू दे रहा हो तो भैया दे दो, हम 4 मिलियन भी रख लेंगे, पर इनको चाहिए सर, कहते हैं ना इनकी मानसिकता क्या है, पाकिस्तानी वाइफ अमेरिकन लाइफ, पाकिस्तानी वाइफ अमेरिकन लाइफ, ये वो चाहते हैं, गोरी वाइफ और अमेरिकन लाइफ, और अपना जो जहादी एजेंडा वो चलता रहे, पैसे उनसे लो, लड़कियां भी उनकी चाहिए। और ये जो ग्रूमिंग गैंग वाले, दे ओनली टारगेट वाइट गर्ल्स, और इन अंग्रेजों के अब तक होश ठिकाने नहीं है, इनकी नजर नहीं खुली। हमारे यहाँ फिर भी हम लव जहाद की बात तो करते हैं, लव जहाद पे काफी कार्रवाइयां भी हो रही है, इनको तो आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। अब सोचिए 13-13 साल की बच्चियों के साथ ये पाकिस्तानी दुष्कर्म करते हैं, तो मतलब किस मेंटेलिटी के, ये क्या मेंटेलिटी है ये? यहाँ तो ये सुनने में तो ये भी आया मेरे सर, ये जो क्या नाम है इसका, बिल्लो रानी का तो अफेयर भी चल रहा है अपने कोलीग के साथ, तो अब पता नहीं ना क्या था ना वो के, बिल्लो रानी के पिताजी और हमारा जो आजकल एक प्रिंस है उसके पिताजी जो थे वो साथ साथ पढ़ते थे, तो उनके बच्चों के उसी प्रकार के कारनामे। तो ये सर इनमें एक सिमिलैरिटी और भी है संजय सर, ये सारे दोनों के दोनों जो हैं वो विदेश घूमते रहते हैं और दोनों के दोनों जो है मजे करते रहते हैं। अभी तो एक वीडियो भी चल रहा है बड़ा शानदार, अब वो पता नहीं वो वीडियो सच है कि झूठ है, लेकिन चल रहा है, मैं देखा अभी, थाईलैंड का है वो, आपने देखा पता नहीं कि नहीं देखा? नहीं अभी मैंने देखा नहीं, देखता हूँ इसको।
तो ये थाईलैंड में तो सिर्फ सुना है कराबी के पास कोई जगह है, वहां कोई प्राइवेट किसी ने आइलैंड खरीद रखा, वहां लैंडिंग स्ट्रिप वगैरह है, ये बड़े बड़े जो दुनिया के लोग हैं वही पार्टी मनाते हैं। तो एक आइलैंड है अपना, मतलब वो जो हमने देखा था ना शाकाल का जजीरा होता था, तो वैसे टाइप का जजीरा है, और वहीं पे सब कुछ। चलिए जो मर्जी है करे, पर आजकल इंटरनेट का टाइम है, दुनिया से चीजें छुपती नहीं, अब कौन सी चीज कब कहाँ बाहर आ जाए पता नहीं, वैसे उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ओबामा जी से कहा जाए कि ये सब पे इंटरनेट इंटरनेट ख़त्म किया करें और दुनिया को वही छठी सातवीं आठवीं शताब्दी में लेके जाएं, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो मेरे ख्याल से अब इसी नोट पर अब हम इस चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे और यही कहेंगे कि भैया ओबामा तू तो फंसा हुआ है, फंस गया रे ओबामा, अब ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं तो कुछ छाते भिजवा दो जिससे हमारे तुम्हारे जो खास लोग जो हैं वो पाकिस्तान वाले उनको छाता तो न चुराना पड़े। हाँ ये अच्छा है, जैसे पाकिस्तानी जनरलों ने कंटेनर मंगाया था मेडलो का, ये सब लगाते रहे हरे लाल पीला, अरे चाइना से बोल दो कंटेनर भेज देगा छाते का, कम से कम चुराना, घड़ी वड़ी चुराओ यार, $1 मिलियन की घड़ी चुराओ, छाता चोर कहलाओगे? ना 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 ना, ये बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी। आखिर हमारे पड़ोसियों, हमारी भी इज्जत है, कहीं यार कुछ चुराओ ना, बड़ी बड़ी चीजें चुराओ। देखो जैसे तुम्हारा वो अब्दुल कादिर वो साइक्लोट्रॉन की टेक्नोलॉजी चुरा लाया, कहीं से कोई कंपोनेंट चुरा लाया, कहीं से तुमने न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी चुराई, अब इतना स्तर गिर गया कि छाते चुराने लग गए। हाय हाय, राम राम राम, क्या कहें इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर विराम देंगे। सुमित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। संजय सर, नमस्कार प्रणाम, दर्शकों को सभी को साधुवाद, हर हर महादेव। महादेव।